मेरे YouTube देखने वाले सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको कुर्ग क्षेत्र के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ के मसाले जो है भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त है, और ये मसाले जो है इन्हीं वनों से, जो यहाँ के वन हैं यहीं से उत्पन्न होते हैं, और ये जो है मसाले इस क्षेत्र का जो है विशेष वन उपज आधारित व्यवसाय है। तो कोडागू का नाम ही कुर्ग है। कुर्ग नाम जो है अंग्रेजों का दिया हुआ है इस, तो कुर्ग जो है एक क्षेत्र विशेष का नाम है। इसका एलिवेशन जो है समुद्र सतह से, इसकी ऊंचाई जो है 900 मीटर है। एरिया जो है 4102 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और एवरेज समर टेम्परेचर जो है इस क्षेत्र का गर्मियों में 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, और यहाँ का क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल वेट है। और इस क्षेत्र का जो हेडक्वार्टर है मडिकरी है। ये क्षेत्र जो है मलनाड क्षेत्र कहलाता है, और यहाँ पे आने वाले जो तालुका है, कुर्ग क्षेत्र में आने वाले तालुका जो है इनके नाम है मडिकरी, सोमवारपेट, विराजपेट, पोनमपेट और कुशाल नगर। मेरे ख्याल से इंडिया में जितने मसाले रहते हैं वो सब अपनी यहाँ तैयार होते हैं। कुर्ग में फेमस है। हाँ हाँ, इंडियन स्पाइसेस के लिए अलग वैल्यू है ना। हाँ हाँ, ये जो अपने वास्को डिगामा वगैरह जो आए थे, अंग्रेज आए थे इंडिया के लिए, आए थे मसाला के लिए, तो वो यहीं से कर रहे थे क्या? अच्छा, केरला और कुर्ग फेमस है, जो ब्रिटिश लोग इंडिया पे आए थे स्पेशली फॉर मसाला के लिए। जी भैया नमस्कार। थैंक यू। तो थोड़ा सा आप बताएंगे डिटेलिंग, ये मसालों का आपको अच्छा नॉलेज है। मसाला तो कुर्ग में फेमस है, मसाला आपको इलची, काली मिरी, दालचीनी, लविंग, ये सब आपको कुर्ग में ही उगाता है, और इधर अच्छी क्वालिटी मिलता है। मसाला तो एकदम टॉप क्वालिटी का मसाला इंडिया से एक्सपोर्ट होता है बाहर कंट्री को, स्पेशली फॉर कुर्ग और केरला बॉर्डर, हमारा बॉर्डर है केरला। और कुर्ग में बहुत अच्छा कॉफी भी मिलता है, और स्पेशली हमारे पास चॉकलेट्स भी मिलता है, होममेड चॉकलेट्स भी। ये चॉकलेट जो है इसका जो रॉ मटेरियल यहीं के जंगलों से तैयार करते हैं। अच्छा, कोको के पेड़ से और हम लोग कोको का पाउडर बना के हम ये जो चॉकलेट्स बनाते हैं स्पेशली। और हमारा ये दुकान है मेन रोड पे है, मडिकेरी टाउन ऑपोजिट फोर्ट में है, कुर्ग स्पाइसेस सोसाइटी, स्पेशली फॉर होलसेल एंड रिटेल दो भी मिलेगा हमारे पास। और हमारा पास स्पेशली हैंडीक्राफ्ट, ड्राई फ्रूट, स्पाइसेस, चॉकलेट, सब ये जो ऑयल्स और परफ्यूम सब मिलता है। थैंक यू वेरी मच भैया, है ना। हाँ, आपने हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली स्पेशली कुर्ग विजिट करो, कुर्ग तो मेन है इंडिया में, एकदम हिल स्टेशन में कुर्ग भी एक है। कुर्ग आपका जिंदगी में एक बार कुर्ग विजिट करो, कुर्ग एकदम बढ़िया प्लेस रहता है, और स्पेशली फॉर जून से आप नवंबर दिसंबर तक आ जाओ तो आपको मौसम अच्छा रहेगा, एकदम ग्रीनरी रहेगा, आपको अच्छी प्लेस है कुर्ग और हिल स्टेशन। और आके स्पाइसेस खरीदो, एंजॉय करो, कम से कम 2-3 दिन का ट्रिप होता है, आप आके एंजॉय करो। कुर्ग बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली फॉर अक्टूबर सेप्टेम्बर बहुत अच्छा रहता है बारिश का मौसम। थैंक यू वेरी मच भैया, है ना। ये